हेलो साथियों, नमस्कार। अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार, खासकर शिक्षा जगत से, बिहार से और अपने देश दुनिया से। विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पारित। पेपर लीक पर 3 से 10 साल सजा, 1 करोड़ तक जुर्माना। शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त में नहीं, कई तारीखें बदली। बिहार में पेपर लीक अब गंभीर अपराध, 10 साल तक सजा, 1 करोड़ तक जुर्माना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करा सकेगी ऑनलाइन परीक्षा। सीटीईटी के आंसर की जारी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों काउंसिल 1 अगस्त से। मृत नियोजित शिक्षकों आश्रितों को 25 लाख अनुग्रह राशि देने की मांग। शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति का अलग कैडर होगा। बीपीएससी ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। 69वीं मुख्य परीक्षा के परिणाम 31 को। 12वीं के बाद फूड स्टाइलिंग में बना सकते हैं करियर। सरकारी स्कूल में आधार कार्ड वाले बच्चों को ही दी जाएगी स्टूडेंट किट। अनुशासन के साथ साथ नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थिति जरूरी। सरकारी स्कूल में बच्चों की किताब के साथ साथ एजुकेशन ऐप से भी कराई जाएगी पढ़ाई। विश्वविद्यालय में 15 साल शिक्षकों के पद सरेंडर होंगे। पटना विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी। नामांकन कल से होगा। स्कूल में समस्याओं का अंबार, बच्चों का सड़क पर प्रदर्शन। बेरो से है मध्यबेरवा शिक्षा विभाग का मामला। शिक्षक सैलरी वाले खाते से फर्जी चेक और दस्तखत से 2.99 करोड़ रुपये की अवैध निकासी। राजकर्मियों के HRA में 3% तक की वृद्धि, ये है झारखंड कैबिनेट का फैसला। 1250 वितरित संस्थानों में कल शैक्षणिक हड़ताल। SO और आदर्श स्कूल बदले जाएंगे शिक्षक। शिक्षक वंशीधर को किया गया बर्खास्त। प्रखंड शिक्षक वंशीधर प्रवासी को बर्खास्त कर दिया गया। प्रखंड नियोजन इकाई ने बुधवार को यह कार्रवाई की। इससे पहले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से 28 मार्च को प्राप्त आदेश के आलोक में 30 मई को उत्कर्मित मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी मरवन के शिक्षक प्रवासी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया था। विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी मरवन को संचालक एवं BO मरवन को उपाय स्थापन पदाधिकारी बनाया गया था। 23 जिला को अंतिम प्रतिवेदन दिया। शिक्षक के भर्ती प्रमाण पत्र का सत्यापन 1 से। पेरिस शहर अभेद्य किले में तब्दील। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब लेगी ऑनलाइन परीक्षा। ई शिक्षा कोष पोर्टल का सर्वर डाउन, परेशानी। नौसेना विंग NCC में दाखिला 5 को। छात्र सम्मान समारोह 3 को। शिक्षक नियमित करेंगे अभिभावकों से संवाद। शिक्षा संघ चरित्र निर्माण भी जरूरी। छठी की एक ही किताब में अब 3 विषय। आवेदन शुल्क जमा तो 29 तक पंजीयन। इंस्पायर अवार्ड आवेदन 15 सितंबर तक। CBSE रीडिंग चैलेंज के लिए 1 अगस्त से आवेदन। जांच में खुलासा, नीट प्रबंध प्रश्न पत्र 35 से 60 लाख तक में बिके। नीट UG का संशोधित रिजल्ट जल्द जारी होगा। BPSC अभ्यर्थियों का डेटाबेस तैयार करेगा। हाजिरी बनाने में गुरुजी रहे परेशान। समग्र शिक्षा की राशि का सदुपयोग करें स्कूल। विद्यालय में हो रहे कार्य का अधिकारी ने किया निरीक्षण। शिक्षकों के स्थानांतरण पर स्थापन की प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट तैयार। अनुकंपा पर नियुक्ति की बदलेगी नीति। ये थे कुछ मुख्य समाचार। ये जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।